इंटरेस्टिंग टूल ओपन मार्केट ऑपरेशन. अभी भी हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ध्यान से देखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच द गवर्नमेंट यूजेस टू रेज मनी. हमने पढ़ा था आरबीआई एज अ करेंसी अथॉरिटी मोनेटाइजिंग द डेट. तो गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो आरबीआई को सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है और उनके अगेंस्ट पैसा लेती है, तो वहां भी यूज करती है. और आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट खुद इंटरेक्ट नहीं करेगी पब्लिक के साथ, आरबीआई उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, आरबीआई उनके बिहाफ पे ये सारी ट्रांजैक्शंस करता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद द पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स कौन करता है, आरबीआई, बट गवर्नमेंट के बिहाफ पे. किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे. तो जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा है तो एक तरह से आप एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है. किसके पास जाता है, वो इशू कौन कर रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रही है, बट आरबीआई के थ्रू ही ये सारी ट्रांजैक्शंस रूट होती है. तो आरबीआई एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स टू द पब्लिक और फ्रॉम द पब्लिक. टू द पब्लिक मतलब मैं आपको बेच रहा हूं, फ्रॉम द पब्लिक मतलब मैं आपसे वापस परचेज कर रहा हूं. टू द कमर्शियल बैंक, फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, यू बाय फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, यू सेल टू द कमर्शियल बैंक. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स. कौन सेल कर रहा है, आरबीआई. किसको कर रहा है, पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक. अब ध्यान से देखना, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एज एन इन्वेस्टर, इंडिविजुअल, कमर्शियल बैंक आपके लिए इन्वेस्टमेंट का टूल है. क्या है, इन्वेस्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है. जब आरबीआई चाहता है, जब आरबीआई चाहता है कि मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, जब आरबीआई चाहता है कि मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, तो वो मार्केट में सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है. अब ध्यान से देखना, मैं आरबीआई हूं, आप कमर्शियल बैंक हो, मैं आपको 5000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा हूं, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व, इकोनॉमी खत्म हो गई तो वैसे ही सब कुछ चला जाएगा, तभी गवर्नमेंट के बॉन्ड जो है वो डिसऑनर हो सकते हैं, तब तो वैसे ही सब कुछ ही खत्म हो चुका होगा, बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी जीरो हो चुके होंगे. तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स. तो वेट करते हैं लोग कि कब मौका मिल जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है, सिक्योरिटीज इशू कर रही है, वो तभी करती है जब उनको सिचुएशन ऐसी लगती है कि टाइम आ गया है थोड़ा सा कंट्रोल करने का. ध्यान से देखना, एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई, मैं चाहता हूं, मैं आपको 5000 करोड़ की सिक्योरिटी सेल कर रहा हूं, इसका इंपैक्ट क्या होगा. मैंने आपको 5000 करोड़ की सिक्योरिटीज दी, आपके पास सिक्योरिटीज आ गई, आप मुझे क्या दोगे, 5000 करोड़ रुपीज दोगे कि नहीं दोगे. तो पैसे कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास आ गए, तो आपके एज अ कमर्शियल बैंक आपके अवेलेबल फंड बढ़ गए या कम हो गए, कम हो गए. आपकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई. लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, लोन्स कम बांटोगे तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई. तो जब आरबीआई चाहता है कि मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, तो वो सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और सेंट्रल बैंक. एक ही बात है, पैसा बैंक्स के थ्रू ही रूट होता है. अगर आरबीआई चाहता है कि मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाए, अगर आरबीआई चाहता है कि मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो वो आपसे परचेज करता है. आरबीआई कमर्शियल बैंक से परचेज कर लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सर उनके पास कहां से अथॉरिटी आई इशू करने की, जो उनको सेल कर रखी थी वो एक तरह से बाय बैक कर रहा है. पब्लिक को ऑप्शन दे रहा है कि ये 10 इयर्स का टेन्योर था, मैं आपको पहले परचेज करने के लिए रेडी हूं,
बाकी 10 ईयर्स के बाद तो मैं परचेज कर ही लूंगा, मैं आपको 7 ईयर्स के बाद ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको सेल करने हैं, बायबैक का ऑप्शन दे रहा हूँ। When the RBI wants to increase the supply of money in the economy, they purchase these securities from commercial banks or public. अब मैं आपसे परचेज कर रहा हूं, तो मैं आपसे अगर 5000 करोड़ की सिक्योरिटी ले रहा हूं, तो मैं आपको 5000 करोड़ रुपीस दूंगा। अब आपके अवेलेबल फंड्स बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। आपकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities, authorized on behalf of the government. It does not matter whether the securities are bought or sold to the public or banks. कह रहे आप public को बेच रहे हो या commercial banks को बेच रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, impact same होगा। कह रहे ऐसा क्यों? Because ultimately the amounts will be deposited in or transferred from the bank only. तो लोग जब पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस ही कम होंगे उनके, लोग जब सेल करेंगे अपनी सिक्योरिटीज तो पैसा बैंक में ही आएगा, तो इम्पैक्ट सेम होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, इट रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज आपने सेल करी, कौन करता है सेल? आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स, तो क्या होगा? आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को सेल करा, इसका इंपैक्ट क्या होगा? रिड्यूसेस द अवेलेबल फंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यस और नो? क्योंकि आरबीआई ने अगर आपको सेल करा, इसका मतलब आपने परचेज करा, तो आपने पैसे दे दिए उनको, तो फिर क्या होगा? लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस, लेंडिंग कैपेसिटी of commercial banks, lending capacity of commercial banks reduces. कोई भी डाउट? इसका ऑपोजिट हो जाएगा परचेज के टाइम। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, इट रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड देयरफॉर डिक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। Purchase of securities by the central bank, it increases the reserves and raises the bank's ability to give credit. अगर RBI आपसे परचेज कर रहा है तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, पैसे आपके पास आ रहे हैं तो आपके अवेलेबल फंड बढ़ जाएंगे, आपकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? बिल्कुल मिलता है, उसके बिना कोई फायदा थोड़ी ना। इंटरेस्ट तो कैरी करते हैं सिक्योरिटीज और बिल्स और मतलब बॉन्ड्स होते हैं एक तरह से, दैट इज द ओनली मोटिवेशन, सिर्फ पैसा सेव नहीं करना, उस पर इंटरेस्ट इनकम भी आती है। हाँ, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उस पर वो साइन कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में, डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, डायरेक्टली क्वांटिटी को अफेक्ट करता है।